सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करता हूँ आप सब ठीक हो गए, ठीक रहना और मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो गाइज, आज का सीन है, जैसे आपने देखो बताऊंगा मैं आपको आज का सीन क्या है सारा का सारा। आज मैं हूँ मूवी देखने चल मेरा पुत, पंजाबी मूवी है। इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अमरिंदर गिल, जो पंजाबी इंडस्ट्री या पंजाबी मूवीज देखता होगा ना, तो अमरिंदर गिल बहुत बड़ा नाम है। कान को हाथ लगाओ पाजी का नाम लेने से पहले। और आज हम जा रहे हैं मूवी देखने, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ मूवी देखने मैं कहाँ जा रहा हूँ। डायरेक्टर्स कट में आया हूँ मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टर्स कट क्या होता है। बहुत से लोगों को पता भी होगा, जिसको नहीं पता होगा उसको बता भी दूंगा, ठीक है ना गाइस। जैसे मैं मॉल के अंदर एंट्री कर चुका हूँ, हम थर्ड फ्लोर पे आए हैं और ये एम्बियंस मॉल है। इसके साथ थोड़ा जैसे आप आओ ना, तो जो थोड़ी सी आपको ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, एम्बियंस मॉल और प्रोमेनाड मॉल दोनों साथ साथ है, बट एम्बियंस मॉल की जो एंट्री वो थोड़ी आगे से आने में थोड़ी दिक्कत होती है, मेरे को थोड़ा टाइम लगा। तो एम्बियंस मॉल में मैं थर्ड फ्लोर पे आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ मूवी देखने जा रहा हूँ डायरेक्टर्स कट पे। तो इसके थर्ड फ्लोर पे बिल्कुल राइट, एक्सट्रीम राइट एंड पे आपको मिलेगा डायरेक्टर्स कट। आज हम वहाँ मूवी देखेंगे, चलो आपको दिखाता हूँ मैं। देख लो, ये है अपना PVR का डायरेक्टर्स कट। डायरेक्टर्स कट अगर मैं आपको बताऊं तो ये गोल्ड क्लास से भी ऊपर होता है, ये एक्सट्रीम लेवल होता है, इससे ऊपर लेवल नहीं है कोई भी सिनेमास का। तो ये हम एंटर कर रहे हैं डायरेक्टर्स कट के अंदर, ये है हम एंट्री ले रहे हैं डायरेक्टर्स कट के। जैसे अब मैं डायरेक्टर्स कट के अंदर एंटर कर चुका हूँ, मैं आपको अंदर का एम्बियंस दिखाता हूँ। मतलब डायरेक्टर्स कट, जैसे मैंने आपको भी बताया कि क्या कहते हैं ये गोल्ड क्लास, मतलब ये एक्सट्रीम लेवल है। मैं आपको ये वैसे बता रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, कोई चीज़ किसी गलत में बना लिया जाए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डायरेक्टर्स कट अंदर से कैसा होता है, अंदर का एम्बियंस आपको दिखाता हूँ कैसा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप लिटरली अपने प्राइवेट सिनेमा में मूवी देख रहे हो। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि डायरेक्टर्स कट कैसा होता है, कैसा दिखता है। जैसे आप डायरेक्टर्स कट के अंदर आते हो तो ये ना मेंबर क्लब है, मेंबर्स क्लब है, ये हर किसी के लिए नहीं होता। इसके लिए आपके पास एक इनका प्रिविलेज कस्टमर कार्ड होना चाहिए, जो तुम्हारे भाई के पास है। सो मैं वो भी अंदर से दिखाएगा कि डायरेक्टर्स कट के अंदर, मतलब ये जो क्लब मेंबर्स क्लब है ना, इसमें मतलब हर कोई नहीं जा सकता, ये सिर्फ प्रिविलेज कस्टमर ही जाएंगे, जो मतलब डेली आते रहते हैं या फिर जो होते हैं जिनके पास प्रिविलेज कार्ड होता है, सिर्फ वही एंट्री ले सकते हैं। बट मैं आपको वो भी दिखाता हूँ गाइस, आपका मेंबर्स क्लब अंदर से आप देखो। मतलब आप अगर मूवी टाइम शो से पहले आ जाओ तो मतलब पर्सनली आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइब्रेरी में हो। तो गाइस, जैसे मैंने तुमको बताया ना कि यहाँ पर जो मेंबर्स क्लब है उसको एक्चुअली मेंबर्स होम कहते हैं, और मैं आज आप उसको डिस्क्राइब करूंगा। तो ये ना एक कार्ड है, मतलब ये एक एक्सेस की है। जब आप यहाँ से आओगे ना, अगर आप यहाँ के मेंबर हो, मेंबर्स हाउस के जो भी, ऐसे जो भी बोलते हैं, थोड़ा प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लॉबी में जैसे आए, लॉबी से सीधा का सीधा प्राइवेटली अपनी लिफ्ट से ऊपर आओगे, और जैसे यहाँ पर इसको आप ऐसे एक्सेस करोगे ना,
तो ये ऐसे करके यहाँ पर ऐसे खुल जाता है, देख रहे हो, आप एक्सेस करते हो तो ये आपका पर्सनल वो है, मतलब आप नॉर्मल उनकी तरह आप बीच में अंदर नहीं आओगे, आप प्रिविलेज मेंबर हो। अब मैं आपको ना अंदर से दिखा दूं, जैसे बाहर आपने जैसे मेंबर्स हाउस कहा था ना, बट मैं अगर आप इसे आप अंदर से एक्सप्लोर करवाता हूँ, ये मेंबर्स हाउस नहीं, ये एक्चुअली में एक हाउस है। और आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ मूवी देखने आए, मतलब मूवी के साथ साथ भी एक्स्ट्रा चीजें, मतलब ये जो चीज है ना मेंबर्स हाउस, ये मूवी से हटके है, मतलब ये बियॉन्ड डायरेक्टर्स कट है। ये इतनी बड़ी चीज है, मैं आपको अंदर एक्सप्लोर करके बताया। जैसे मैंने अभी आपको एलिवेटर्स के बारे में बताया ना, तो ये मेरे पीछे वो एलिवेटर्स हैं, ये सीधा लॉबी में जाकर कनेक्टेड है। आप अपनी कार पार्क करोगे, सीधा यहां से ऊपर आओगे और ये आप आ गए मेंबर्स होम के अंदर। अब मैं आपको इसको बताता हूँ इसे मेंबर्स होम क्यों बोलते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वो एलिवेटर्स, इस एलिवेटर से आप आते हो यहाँ पर, और ये आते ही अंदर से आप ये घुसते हो। ये आप अंदर का व्यू देखो, इस गेट से मैं अभी अंदर आया था, ये आप व्यू देखो अंदर का, ठीक है। यहाँ से हम घुसते हैं अंदर, ये देखो वो सामने आपको वॉशरूम है फॉर जेंट्स एंड लेडीज, ये अलग हो गया। और अब ये है अंदर का व्यू, आपको मैं एक चीज बताऊं, यहाँ का जो ना मतलब आप कह लो इनका स्टाफ है कुछ कह लो, वो ना मतलब बहुत ही हेल्पिंग है, मतलब वो मेरे को हर चीज सही से बता रहे हैं। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बस एक क्या कहते हैं स्वीट गेस्चर होता है, पता है आप मूवी देखने हर कोई आता है। और पता है ये चीज होती है जो स्टाफ होता है ना, स्टाफ से जैसे लोग कहते हैं ना आपके क्लाइंटेज बनती है, वो ये चीज होती है, मतलब बहुत स्वीट गेस्चर है, मेरे को हर चीज में मतलब मेरे को बता रहे हैं सर आप ये देखो, नई चीज एक्सप्लोर करो। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये आपने अकबर बीरबल की ना कहानियों में देखी होगी, इंग्लिश में इसको वर्ड क्या कहते हैं मैं भूल रहा हूँ, बट हिंदी में जैसे आप होते ना वो चोर दरवाजे टाइप से एक चीज होती थी, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो क्या, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। आपको दिखाया ना, देखो खुल जा सिम सिम, ये थोड़ा लाइट का वो हो गया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसा कोई नहीं, ये आपका हिडन डोर है, यहाँ से मैं बाहर चला जाऊंगा, ये देखो ये आपका हिडन डोर है, यहाँ से मैं बाहर चला जाऊंगा अभी से, ये देखो ये यहाँ से आप बाहर चले जाओगे, अभी से वापस बंद कर देते हैं, अभी से आप वापस बंद कर दो, तो ये देखो देखा ये खुल जा सिम सिम का पार्ट था। Yeah.
जैसे आप अभी ये सारी चीज़ों मैंने आपको अंदर का सारा इनका मेंबर्स हाउस दिखा दिया, वो तो मैंने अभी आप ये इसमें आप टाइम लैप्स में देखोगे। मैं आपको एक चीज़ एलिब्रेट करके बताता हूँ, मतलब बिल्कुल सही से मैं आपको एक चीज़ डिस्क्राइब करके बताता हूँ, तो उस चीज़ को मैं आपको ये बताता हूँ। अब आप जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी पीछे स्टेज दिखाया, तो वहाँ पर स्टेज पर इनकी जैसे नॉर्मल पब्स में होती है फ्राइडे नाइट लेडीज नाइट, वो सब कुछ होता है। आप यहाँ पर कोई भी ड्रिंक्स, जितनी मैंने आपको ड्रिंक्स दिखाई वो ऑर्डर कर सकते हो। और ये सब ना नॉर्मल बंदे के लिए नहीं है, ये नहीं कि इसके टिकट में इंक्लूड है, इसके लिए आपको यहाँ पे इनका प्रिविलेज मेंबर होना चाहिए। नाइस सेटिंग है, मतलब आपकी हर चीज आपको मिलेगी, मतलब सिगार से लेकर यहाँ पे लाइव बैंड के भी कॉन्सर्ट होते हैं। मतलब यार वही कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना शौक की चीज, शौक की क्या कहते हैं उसे, देख रहे हो आप, मैं ये चीज देख रहा हूँ, मतलब मैं खुद ही वो हो रहा हूँ कि क्या कहते हैं यार, मतलब ये चीज मैंने पहले भी देखी बट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आप ये देखो इस चीज को, कहते हैं ना शौक की कोई कीमत नहीं होती, वो ये चीज़ है यार। मतलब प्रिविलेज अगर ये बोल रहे हैं तो ये लिटरली इस चीज़ को मीन कर रहे हैं, जो प्रिविलेज मेंबर है ना वो यहाँ पे प्रिविलेज है, मतलब जिसे कहते हैं ना एलीट क्राउड, सिर्फ एलीट क्राउड के लिए ये जगह है। मतलब कोई भी सकता है, लेकिन ये वही वाली बात है ना यार, जब शौक की कोई कीमत नहीं होती तो ये वो चीज़ है। मैंने आपको एक एक चीज़ क्या ढंग से बताया आप यहाँ, और सारी की सारी कोविड गाइडलाइंस का सब का इन्होंने मतलब ढंग से बिल्कुल हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। मैंने आपको पूरा दिखा दिया, यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, थर्सडे को नाइट्स होती हैं, ट्यूसडे ये क्लोज है, थर्सडे लेडीज नाइट है। बाकी मैंने आपको जितना भी एक्सप्लोर करके दिखा दिया, ये आज तक ना किसी ने नहीं दिखाया होगा डायरेक्टर्स कट का ये हिडन पार्ट जो मैंने आपको बताया। और मैं अभी आपको ये बता दूं, मैं एम्बियंस मॉल के डायरेक्टर्स कट में हूं, जो मैं आपको बता दूं ये वो गुड़गांव वाला नहीं है, ये एम्बियंस मॉल का डायरेक्टर्स कट है। तो गाइज जो चीज़ मैंने आपको बताई ना, ये किसी ने नहीं बताई होगी, तुम्हारे भाई ने तुम्हें कहा है ना सारे के सारे हिडन जेम्स तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा। पता है कोविड से पहले ना यहाँ पर नॉर्मल टिकट जो थी, जब मैं देख रहा था, वो 24 और 2500 रुपीस हुआ करती थी। तो यार जो 2400 और जो 2500 रुपये खर्च कर रहा है ना, तो उसको कुछ तो लग्जूरियस चाहिए ना। तो वो जो हिडन पार्ट जो मैंने आपको दिखाया था ना, मतलब मैं यहाँ पर जब पहले आया था तब इन्होंने जो मैंने आज आपको बार दिखाया ना वो बार नहीं था। इससे पहले जो चीज़ थी, मतलब ये कह लो उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं करता वरना मैं आपको उस टाइम भी दिखाता, इससे पहले उन्होंने खाली एक वाइन सेक्शन खोला था। दे ओनली सर्व वाइन्स, मतलब अच्छी से अच्छी वाइन, सेनोरिटा, जेकब्स वीक और फलाना ढमकाना जो भी होती हैं। बट जो अब इन्होंने लग्जरी को एक्सप्लोर करवाया है ना, मतलब अंदर से आपको भी देखकर लगा होगी ये चीज़ आपको और किसी ने नहीं दिखाई होगी जो चीज़ मैंने दिखाई आपको, ये चीज़ एक अलग ही चीज़ थी। पता है वही वाली बात, अगर इफ समवन इज स्पेंडिंग 2400 और 2500 तो उसको कुछ तो लग्जूरियस चीज़ चाहिए ना, तो ये वो चीज़ है। वरना 24 और पहले, इससे पहले जब इन्होंने ये ओपन नहीं किया था, तो 24 और 2500 की टिकट में सिर्फ आपको क्या देते थे, जब आपने रिक्लाइनर्स में जाकर अंदर बैठते हो ना, तो सिर्फ ही आपको एक वो दे देंगे, टॉवल कह रहा हूँ, एक ब्लैंकेट देंगे और एक वाटर बॉटल देंगे। बट उसके बाद उन्होंने कहा कि यार जो बंदा यहाँ पे आके 2500 रुपये खर्च कर रहा है एक ब्लैंकेट और एक पानी की बॉटल के साथ, तो मतलब पीछे से वो तो स्ट्रॉक बैकग्राउंड का होगा ही ना, तो उनको एक्सप्लोर करने के लिए ये जगह यहाँ पर ये बनाई है जो मैंने आपको दिखाई, जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं दिखाई होगी। तो गाइज देख रहे हो, तुम्हारा भाई है तो खुराफाती ना, और शौक की कोई कीमत नहीं होती, और तुम्हारा भाई शौकीन कितना बड़ा है तो तुमको पता ही है। अब आज तो मैं ट्यूसडे में अपनी चल मेरा पुट देखने आया हूँ, कल फ्राइडे तो नहीं, अब वेनेसडे तो नहीं, अब मैं फ्राइडे आऊँगा यहाँ पे अंदर, जो इनका स्टैंड अप कॉमेडियन वो होता है, मतलब अंदर का आपको पूरा एक्सप्लोर कर दिखाऊंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भी यहाँ का एक प्रिविलेज कस्टमर हूँ। अब अंदर चलते हैं, मूवी देखते हैं, आपको अंदर के रिक्लाइनर दिखाते हैं, उससे पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं यार अपने खाने के लिए, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न कुछ वो ऑर्डर कर लेते हैं। तो गाइस जैसे आप देख रहे होगे, ये मैं अपने डायरेक्टर्स कट में अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं आपको अंदर से टूर देता हूँ डायरेक्टर्स कट का कि क्या सीन है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये अपना मेन्यू है, आप इसमें मेन्यू देखकर कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, ब्राउन साहब जो है वो आके आपको ऑर्डर आपके सीट पर ही डिलीवर कर देगा। ये आपके अपने रिक्लाइनर्स हैं गाइस, ये देख सकते हो आप रिक्लाइनर्स हैं। कोविड नॉर्म्स के चक्कर में एक स्पेस देने के बाद एक लाइन कुछ ऐसी दिखती है, ये देखो आप, ये है अंदर से डायरेक्टर्स कट। तो गाइस जैसे आप डायरेक्टर्स कट पे अंदर एंटर करते हो ना, 2500-2400 रुपए खर्च करने के बाद, तो मैंने आपको दिखा दिया वो तो एक्सट्रीम चीज़ थी, वो प्रिविलेज कस्टमर्स के लिए था जैसे तुम्हारा भाई है उनके लिए। बाकी अगर आप आओ तो 2500-2400 रुपए खर्च करके, तो ये सिर्फ आपको ये रिक्लाइनर्स मिलती हैं आपको, अंदर से आपको व्यू मैंने दिखा दिया है, और कॉम्प्लीमेंट्री आपको एक वाटर बॉटल मिलेगी जो आपके सीट पर ही होती है आपके आने से पहले, और जब इसे ये चलाते हैं तो तब ये आपको एक ब्लैंकेट भी दे देते हैं।
करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपको सारे हिडन जेम्स दिखाए, जो मैंने आपको ये चीज़ दिखाई ना, ये और किसी भी डायरेक्टर्स कट में नहीं है, ये इन्होंने भी अभी नहीं इन्वेंट की है। पहले से मैंने बताया था कि क्या कहते हैं, ये एक इन्होंने पहले यहाँ पे सिर्फ वाइन सर्व करते थे, उसके बाद इन्होंने ये अपना वो सब कुछ बनाया जो उन्होंने एक्सपेंड किया है, ठीक है ना गाइस। तो ट्यूसडे को ये बंद रहता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, अगर किसी ने आना हो तो ट्यूसडे को ना आए क्योंकि ट्यूसडे को क्लोज रहता है। गाइस होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस स्टे सेफ से हेल्दी, सही हो नारा, बाय बाय।